लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी की बड़ी बैठक दिल्ली में हुई। इसे उत्तरी क्षेत्र की बैठक नाम दिया गया है। बैठक में तमाम राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बूथ सशक्तिकरण के प्लान पर विशेष तौर पर चर्चा की गई। उधर चार राज्यों के प्रभारियों का भी आज ऐलान किया गया। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश को नए प्रभारी मिले। लोकसभा चुनाव और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी संगठन के सभी तार टाइट कर देना चाहती है और इसी कवायद में पार्टी ने देश को तीन रीजन में बांटकर बैठकों के आयोजन में जुट गई है। और इसी कड़ी में दिल्ली में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया जिसमें उत्तरी क्षेत्र के सभी 14 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अध्यक्ष, अध्यक्ष संगठन, मंत्री, राज्य प्रभारी सहित तमाम अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दमन दीव दादरा नगर हवेली के साथ ही सभी केंद्रीय पदाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सभी राज्यों के संगठन पर चर्चा के साथ ही प्रदेशों के स्थानीय चुनावी मुद्दों पर भी रणनीति बनाई गई। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश जहां बीजेपी की सरकार है वहां सरकार के कामकाज को आम लोगों तक पहुंचाने के अलग अलग तरीके पर विचार किया गया। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए अलग रणनीति तय की गई है। बैठक में तय किया गया कि कांग्रेस शासित राज्यों में लोकसभा चुनाव तक हर दिन सरकार के खिलाफ मैदान में तमाम कार्यकर्ता अलग अलग मुद्दों के साथ उतरेंगे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा साहब और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी ने संगठन कार्य विस्तार योजना को लेकर सभी प्रांतों के अध्यक्षों और संगठन महामंत्रियों से चर्चा की है। जो पार्टी ने पहले कार्यक्रम महासंपर्क अभियान और उससे पूर्व बूथ सशक्तिकरण अभियान, उस पर जानकारी प्राप्त की और भविष्य में आने वाले दिनों में जो पार्टी के कार्यक्रम हैं उस पर सभी प्रांतों के अध्यक्षों और संगठन महामंत्रियों के साथ चर्चा हुई है। बैठक में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों के हिसाब से उत्तरी रीजन के सभी 14 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पार्टी वोट प्रतिशत और सीट 2019 की तुलना में कैसे बढ़े, इस पर सभी राज्यों के संगठन मंत्रियों ने प्रेजेंटेशन दिया। सूत्रों के मुताबिक बैठक में बूथ को मजबूत करने पर ज्यादा जोर दिया गया। बूथ सशक्तिकरण को लेकर जिन चार मुख्य बिंदुओं पर गहन मंथन किया गया उनमें समाज के हर वर्ग के लोगों को जोड़ने पर जोर दिया जाएगा, बूथ कमेटी मजबूत करने पर खास ध्यान दिया जाएगा, हर बूथ पर 51% से ज्यादा बीजेपी के पक्ष में मतदान कराने का लक्ष्य रखा जाएगा, बूथ सशक्तिकरण के लिए हर बूथ पर कम से कम 11 लोगों की टोली बनाई जाएगी, तमाम राज्यों को लेकर कि कौन बेलगाम है और किसे कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है। राहुल गांधी, अगर आप इस तरह के ये बात को समझेंगे कि लोगों को अपमानित करना आपका अधिकार है तो कानून का भी अधिकार है कि आपको पकड़ा जाए। कोई कैसे कह सकता है कि सारे चोर का सरनेम मोदी कैसे होता है? क्या मतलब है इसका? कुछ भी बोल देंगे आप? क्या आप कुछ भी बोल देंगे? और जब आपको कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी जी आप माफी मांगेंगे तो साहब आप सीधा कि मैं सावरकर नहीं हूं कि माफी मांगूंगा। दिस इज आई वुड से इररिस्पॉन्सिबल एरोगेंस, गैर जिम्मेदार अहंकार है। किसी को अपने गुणों पर अहंकार हो सकता है? राहुल गांधी में तो मैं तो एक ही अहंकार का भाव देखता हूं कि मैं खानदान में पैदा हुआ है और उसी की कमाई उनको मिलती भी है। ठीक है भाई, ये चुनाव आयोग का अधिकार है इसलिए मुझे कुछ नहीं बोलना है। कि बार बार जिक्र किया जाता है राहुल गांधी के और अन्य केसेस के बारे में, तो श्री राहुल गांधी और अन्य केसेस जो मानहानि के हैं या जो और हैं किसी में भी दोषी नहीं ठहराए गए हैं। वो एक अभियुक्त है, कुछ और केसेस में एक अभियुक्त की हैसियत से उनके ऊपर ये टिप्पणी करना बिल्कुल गलत होगा। और बार बार इस निर्णय में भी इसका जिक्र होता है कि किसी अमुक केस में उनके विरुद्ध कुछ ऐसी चीज है, लेकिन वो किसी में भी दोषी नहीं ठहराए गए हैं। ये जितने और केसेस की बात होती है उसका स्रोत, उन सबका स्रोत एक ही है। उन सबके स्रोत याचककर्ता, शिकायतकर्ता या तो बीजेपी के कर्ता धरता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, और बड़ा स्पष्ट है कि ये करवाया गया है, एक बनावटी ऑर्केस्ट्रेटेड प्रयत्न है हर उस केस में। तो जब सब जगह ऐसे केसेस हैं तो द्वेष का सवाल कहां से आता है? द्वेष तो उल्टा याचक कर्ता और शिकायतकर्ता से निकलता है
न कि अभियुक्त से, और ये एक ज्यादा विशाल एक कॉन्स्पिरेसी है जिसका उद्देश्य है कि स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र वाक्य और बातचीत पे रोकथाम हो। निर्णय का जो अभी हमने देखा है पैरा 63 में वीर सावरकर के एक केस का जिक्र है, रोचक बात यह है कि यह वीर सावरकर का केस दायर ही हुआ है 12 अप्रैल 2023 को। इसके बारे में कोई प्लीडिंग नहीं है, जिरह लिखित रूप से नहीं हुई इसके ऊपर। जब मामला खत्म हो रहा था अंतिम दिवस पे 2 मई को जब मैं गया तो अंत में दूसरी तरफ के याचक ने इसका जिक्र किया, कटिंग देखे अखबार की कटिंग। आश्चर्य है, मूल मुद्दा है, सिद्धांत है इस केस में, वो हम सबको, हम एक एक व्यक्ति को असर दुष्प्रभाव करता है, इन्वॉल्व हम सबको करता है। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष या राहुल गांधी या इनका या मेरा या आपका केस नहीं है। हम पूरी कानून न्याय व्यवस्था में पूरी आस्था रखते हैं और उच्चतम न्यायालय में पूरी आस्था रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कोर्ट, मैं समझता हूं उच्चतम न्यायालय के भी ऊपर जो कोर्ट होता है वो है जनता का कोर्ट, और हमारा मानना है कि उस जनता के कोर्ट में ये जो लघु कुटीर और लघु कुटीर जो एक उद्योग बना दिया गया है बीजेपी की कार्यकर्ताओं द्वारा, कॉटेज इंडस्ट्री, आरोप और प्रत्यारोप का, जिससे कि स्वतंत्र बोलना और विचार रखना रुक जाए, ये हम जनता के सामने भी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और वो आत्मसात किया जा रहा है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने राहुल के पुराने बयानों का जिक्र किया, मोहब्बत की दुकान पर भी तंज कसा, लेकिन कांग्रेस ने सबसे बड़ी अदालत से उम्मीद जताई इस भरोसे के साथ कि सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे नेता गड़बड़ करते हैं तो आप जाइए ना कोर्ट में, मना किया है क्या आपको? किसी ने मना किया है क्या? मौत का सौदागर किसने कहा? एक लोकप्रिय बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री को ठग किसने कहा? आर्मी चीफ सड़क के गुंडा है ये किसने कहा? तो भाजपा के कार्यकर्ता शालीनता के घेरे में रहते हैं, और अगर कहीं ये गलती होती है तो कार्रवाई भी होती है, लेकिन यहां तो जब राजकीय मानदंडों के साथ राजनीति होती है कि उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता तो ये तो होगा ही। तो क्या क्या बोलते हैं सदन में तो आपने सुना ही सुना है। वो मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करते हैं, और मोहब्बत की दुकान कहां है तो उनके भाषणों को देख लीजिए आप। और ये कांग्रेस वालों आप सुनो, राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 2 घंटा इन्होंने मोदी जी को बोलने नहीं दिया था, याद है ना आपको? मैं समझता हूं इस मुद्दे को भी हम सामने रखेंगे उच्चतम न्यायालय में। ये जो प्रतिशोध की राजनीति दिखाई जा रही है ये एक व्यवस्थित रूप से निर्बल बनाने का प्रयत्न है हमारे गणतंत्र और लोकतंत्र को, और जैसा मैंने कहा गला घोटने का प्रयत्न है लोकतंत्र और गणतंत्र का। मैंने ये भी कहा था आपके समक्ष कि कितना भी आप प्रहार करें, इंटिमिडेशन हैरेसमेंट करें, कितना भी आप जेल से डराएं, मैं नहीं समझता कि श्री राहुल गांधी इस प्रकार की चीज़ों से किसी रूप से, कभी भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है, कभी डरे हैं। ये इस प्रकार का जूत का जो पर्दाफाश किया जाता है उससे ये सरकार बौखलाई रहती है, घबराहट में रहती है। अंत में कि न्यायपालिका सत्य का ही साथ देगी, अहंकारी सत्ता को अंत में एक कड़ा जवाब मिलेगा हमारे अंतिम निर्णय से, जिसकी तरफ हम अग्रसर होंगे अब उच्चतम न्यायालय में। जो राहुल गांधी ने 1-1.5 वाक्य कहा ये भारत का सबसे जघन्य अपराध है, और उसके बाद वाले पैरा 45 में ये भी कहा गया है कि ये वाक्य अपने आप में मॉरल टर्पिट्यूड भी है। प्रवक्ताओं के पलटन के बीच जारी वाक युद्ध के बीच सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस के आला नेता राहुल गांधी के बचाव में उतर गए। बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, राहुल गांधी ने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। सच ये है कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल भाई, विजय माल्या, जतिन मेहता जैसे भगोड़े मोदी सरकार के निगरानी में जनता के पैसे लेकर संदिग्ध रूप से विदेश पहुंच गए। बीजेपी ने उनको तो आजाद कर दिया पर झूठ की चाले चली।
एक राजनीतिक साजिश के तहत श्री राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर संसद से निलंबित करा दिया। हम राजनीतिक लड़ाई और कानूनी लड़ाई दोनों लड़ेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता की पंक्तियों को ट्वीट किया। समर शेष है जन गंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो। पथरीली ऊंची जमीन है तो उसको तोड़ेंगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। समर शेष है चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर।